हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी एसएससी जे यूट्यूब चैनल। मैं देवेंद्र नायक आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के एसएससी जे यूट्यूब चैनल पे। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, अनमास्क द इग्नोरेंस, लेट्स मास्क अप टुगेदर। तो गाइस अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें, जहां भी रहें मस्त रहें, आबाद रहें और जिंदाबाद रहें। इसी आशा के साथ में अपना आज नया सेशन लेके आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद में किसी नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे परसों से। कल अपना कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करना है, वो डिस्कस करेंगे। उसमें एज यूजुअल आपको पता है एडब्ल्यूडीए वाला अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो भी अपने पास पेपर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई का देखेंगे, और उसके लिए ही जल्द ही क्रैश कोर्स जारी कर देंगे हम मंडे या ट्यूजडे से, जितना जल्दी हो सकेगा। तो जो लोग आ चुके हैं या आने वाले हैं, वेलकम यू ऑल, ए वेरी वार्म वेलकम यू। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, और एज यूजुअल अपना जो दोपहर वाला सेशन है आरएसएम एसएसबी जेई के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है, वो रेगुलर चलता रहेगा, कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा वो एज इट इज चलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। टाइम भी वही 12:30 का रहेगा। कभी कभार केस ऑफ द इमरजेंसी में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, और स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज देखने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अनअकैडमी की लर्नर ऐप को डाउनलोड करें, फिर उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में आपको करना है लॉगिन विद द हेल्प ऑफ द ईमेल एड्रेस और फोन नंबर की हेल्प से आप लॉगिन कर सकते हैं। देन सेलेक्ट योर गोल लाइक एसएससी, ईएससी, गेट, जो भी आपका गोल हो गोल को सेलेक्ट करें और गेट सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ें। सब्स्टिट्यूशन में आप हमारे यहां 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। साथ के साथ अगर Dev10 यूज करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू यूज Dev10 टू गेट 10% एडिशनल ऑफ। ओके, एक सेकंड। ओके, देन प्रोसीड टू पेमेंट बाय यूजिंग द एनी मोड ऑफ द पेमेंट। यू कैन मेक पेमेंट। व्हाई अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म? बिकॉज ऑफ द 30+ बैचेस यहां पे आपको एवरी वीक मिलते हैं, 40,000+ रिकॉर्डेड कंटेंट, 300+ क्लासेस, 20,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 70+ एजुकेटर और 90% स्टूडेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टॉप एजुकेटर के साथ में हमारे टॉप बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 11th ऑफ द अगस्त, जिसमें टीम फिनोनिक्स की तरफ से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 21-22 के लिए एग्जाम्स के लिए 11th ऑफ द अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर जिनमें आपको सीजीएल के इन बैचेस की स्पेशलिटी अगर बात करें तो इनमें जो आपका फुल कोर्सेस अकॉर्डिंग टू सीजीएल के एग्जाम के पैटर्न करवाया जाएगा। क्लासेस आपकी हिंदी में रहेंगी, नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। 400 के आसपास के आवर कंज्यूम किए जाएंगे ड्यूरिंग दीज बैचेस। ड्यूरेशन ऑफ द बैचेस की बात करें तो अप्रॉक्सिमेट 9 मंथ के आसपास रहेंगे। अनलिमिटेड टू एसेस ऑफ द टेस्ट मिलेंगे, वीकली क्विज टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे इन बैचेस में। वहीं सीटी ब्रह्मास्त्रा बैच की तरफ से ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी 11th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सफलता बैच फॉर द एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए 2021 के लिए हमारा 11th ऑफ अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। आस्क ए डाउट, ए न्यू फीचर लॉन्च बाय द अनअकैडमी इन विच यू आस्क ए नंबर ऑफ द डाउट एंड फॉर ए यूनिक डाउट यू विल गेट ऑल वीडियो सॉल्यूशन एज वेल। अगस्त ऑफर फॉर द एसएससी हमारा जारी हो चुका है, जिसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको 3 मंथ का एडिशनल फ्री मिल रहा है और 2 ईयर के साथ में आपको 6 मंथ का एडिशनल फ्री मिल रहा है। वहीं सीटी ब्रह्मास्त्र सीटी प्रिपरेशन ऑफर की बात करें तो 1 ईयर के साथ में आपको 6 मंथ और 2 ईयर के साथ में आपको 12 मंथ का एडिशनल फ्री मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल का बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं निधि। एज हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैक्ट की तरफ से एक स्कॉलरशिप पूल एग्जाम होता है एवरी संडे एट 12 PM। ये आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन से लाइव रहेगा टेस्ट। मेगा कॉम्बैक्ट ऑफ 22 अगस्त को अनअकैडमी के द्वारा एक मेगा कॉम्बैक्ट है, जिसमें 1000+ लकी पार्टिसिपेंट और टॉप रैंकर स्टूडेंट विल गेट द एक्साइटिंग प्राइज फ्रॉम द अनअकैडमी। फर्स्ट रैंकर विल गेट द आईपैड मिनी, सेकंड एप्पल एयरपॉड एंड थर्ड JBL स्पीकर, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट द Amazon गिफ्ट वाउचर फ्रॉम द अनअकैडमी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने के लिए खाली आपको एक कोड यूज करना है Dev10
ओके स्टार्ट एसएससी जेई एंड द स्टेट एई एग्जाम्स के लिए हमारे न्यू प्लान्स आ चुके हैं जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं यूजिंग कोड देवेंटन और स्टेट एसएससी जेई और स्टेट एई के लिए हमारे कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें संकल्प बैच फॉर द एसएससी जेई मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 4th of August में इनका इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ऑफ द देवन गिवन बिलो ओके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऑल सेट लेट्स क्रैक इट ये कुछ मैंने यहाँ पे पिक्चर बना रखी है ये पिक्चर्स क्या है स्टेयर केसेस के आज क्वेश्चन थोड़े से स्टेयर केसेस से रिलेटेड है इसलिए मैंने थोड़े से पिक्चर्स बना ली कि अगर आपको क्वेश्चन को बाद में आपको थोड़ी सी दिक्कत ना आए कि ट्रेन हेड रेल नेवल पोस्ट हो गया स्टेयर स्ट्रिंग्स हो गया फ्लोर नोजिंग हो गया है राइजर हो गया गोइंग हो गया ट्रेड नोजिंग हो गया और कुछ टर्म्स दे रखी है वाल स्ट्रिंग्स हो गई है लैंडिंग हो गया स्प्लिट लैंडिंग हो गया ठीक है स्प्लिट लैंडिंग बेसिकली क्या आता है जहां पे अपने पास यार एक्चुअली ये वाला हिस्सा जहां पे स्प्लिट लैंडिंग का मतलब लैंडिंग प्लेस के साथ साथ में आपको स्टेप भी दिया हुआ हो एक स्टेप ये है एक स्टेप ये है तो यहां से इनके बीच में कुछ हाइट है ठीक है उस वाले और ये फ्लैट रहेगा उसको ओनली डायरेक्ट लैंडिंग स्पेस के ओके चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो बच्चे अभी तक आए नहीं है जो लोग आ चुके हैं चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे आ गया है द लोकेशन ऑफ द स्टेयर इन ए पब्लिक बिल्डिंग शुड बी नियर द अगर आपको किसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर स्टेयर केसेस बनाने हैं तो आप कहां पे बनाओगे एट एंट्रेंस एट द सेंटर या लेबोरेटरी के पास या एंड ऑफ द बिल्डिंग्स में चलो कोई बात नहीं बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे जो लोग भी आ गए हैं वो एक बार अपना आंसर देना शुरू करें ओके द करेक्ट आंसर कि अगर आपको लोकेशन ऑफ द स्टेयर इन द पब्लिक बिल्डिंग में कहीं भी स्टेयर देना होगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे एंट्रेंस के पास में ही प्रोवाइड की जाती है स्टेयर्स अपनी जनरली कि एंट्रेंस के आसपास ही अपनी स्टेयर केसेस प्रोवाइड किए जाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो अपने पास मिनिमम स्टेयर केस की विड्थ कितनी रख सकते हैं 125 सेंटीमीटर 99 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर मिनिमम पूछी जा रही है यहाँ पे तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर मिनिमम की बात करें अगर किसी को आता है तो आंसर कीजिए ओके अगर हम मिनिमम की बात करें तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 80 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है वैसे देखा जाए थोड़ा सा ना राइटिंग के लिए ध्यान रखना कि अभी ये थोड़ा सा पेन टाइप का पेन खराब हो गया अचानक पहले ध्यान नहीं दिया तो 85 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट ये होती है ठीक है 85 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है नेक्स्ट अपने पास इन स्टेयर द हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट of the step on which the foot is placed is known as tread, footrest, carpet या soffit. अगर हम बात करें कि अपने पास stair का जो horizontal portion होता है जिसके ऊपर अपन पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है अपना tread कहलाता है वो अपना क्या कहलाता है tread कहलाता है
नेक्स्ट वहीं पे बात करें, रेस्टिंग प्लेस बिटवीन टू फ्लाइट ऑफ ए स्टेयर इज नोन एज, अगर दो स्टेयर्स के बीच में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेयर्स चल रही हैं, फिर अगर टर्न आता है स्टेयर्स के अंदर, बीच के अंदर, तो उस केस के अंदर अपने पास जो प्लेस होता है उसे क्या कहते हैं, लॉन्च कहते हैं, इंटरवल कहते हैं, लैंडिंग कहते हैं या पिलर कहते हैं? ओके, द लैंडिंग इज द करेक्ट आंसर, कि उस प्लेस को जैसे अपने पास यहां से एक स्टेयर आई और फिर यहां से अपने पास कुछ देर रुकी और फिर यहां से आई, तो अगर ये जैसे पोर्शन हो गया ना, ये वाला क्या कहलाएगा अपने पास, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है अपने पास, लैंडिंग कहलाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव राइजर इज known as thread going stringer, कि दो कंजुकेटिव अपने पास अगर अपने पास आ रहे हैं, दो कंजुकेटिव राइजर्स के बीच में दो गैप आता है, वो क्या कहलाता है, going, ठीक है, that's the correct. Next, the maximum width of the stair in the residential building is usually restricted to, maximum width, question number 6 का, चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 6 का। सॉरी, ओके, किसी को नहीं आता, तो अपने पास मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम अपने पास की अब अगर अपन रख रहे हैं कोई स्टेयर केस की, तो अपने पास एटलीस्ट 85 सेंटीमीटर से अबो होनी ही चाहिए, ठीक है, कि मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर से कब नहीं जाना, तो मिनिमम वाली वही हो गया आंसर, क्वेश्चन घुमा के पूछोगे। द प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द राइजर इज कॉल्ड स्ट्रिंगर, नोजिंग, पिचिंग, ब्लस्टर, आबिद खान, 85 सेंटीमीटर होती है आबिद, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, द प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रेंड बियॉन्ड द राइजर इज नोन एज स्ट्रिंगर, नोजिंग, पिचिंग या ब्लस्टर, नोजिंग इज द करेक्ट आंसर, नोजिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द स्टेप इन ए फ्लाइट शुड नॉट बी लेस देन 12, 3, 2, 5, नोजिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ दी स्टेप्स की मिनिमम, सिद्धार्थ कह रहा है बी, एंड द बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, कि मिनिमम अपने पास नंबर कितने होने चाहिए, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The number of steps in ordinary flight should not be more than 12, 10, 15, 20. अगर कोई ऑर्डिनरी फ्लाइट है नॉर्मल, ठीक है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ दी स्टेप कितने होने चाहिए कि उनके बीच में आपको अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो बीच में आपको लैंडिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी 9 का. आदिप कह रहा है 12, सिद्धार्थ कह रहा है 12, दीपक कह रहा है 10. नहीं, 12 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि अपने पास 12 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ द लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर, 1.2 मीटर, 0.9 मीटर और स्टेयर विड्थ 10 का. अगर अपने पास लैंडिंग करवाते हैं, लैंडिंग जो स्टेयर्स की होती है उसमें अपने पास उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए. मिनिमम विड्थ आदिप कह रहा है डी, दीपक कह रहा है डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर कि अपने पास जितनी भी स्टेयर विड्थ होगी उसके इक्वल रखेंगे अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द ट्रेड एंड द राइज शुड बिटवीन द, अगर सम ऑफ द ट्रेड और राइज की अगर बात करें तो अपने पास कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेट. Equal to stair width is the correct answer. Next question, question number 11 is on your display. Next question number 11 का, 11 का दीपक कह रहा है सी, आदिप कह रहा है डी. देखो सी इज द करेक्ट आंसर कि अपने पास जनरली ट्रेंड्स की बात करें तो 20 to 25 वो लेके चलते हैं अपने पास ट्रेंड्स की बात कर ले, और राइज की अगर बात करें तो 12 to 15 लेके चलेंगे. तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा अपने पास, यही है कि 25 to 30 अपने पास ट्रेंड आ गया और राइज अपने पास कितना 12 to 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग लेग स्टेयर आर स्ट्रेट स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर या थ्री क्वार्टर फोर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे आ चुका है. डॉग लेग में यार क्वार्टर कहाँ से आते हैं, दो टर्न आ जाते हैं डॉग लेग में कि एक बार यहां से ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ गया. तो अपने पास हाफ टर्न स्टेयर इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि क्वार्टर तो दो, अगर एक सिंगल टर्न होता ना ऐसे करके ऐसे घूम जाती तब ये क्वार्टर टर्न आता, 1/4 आता. ठीक है, तो हाफ टर्न स्टेयर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ टर्न स्टेयर चेंजेस देयर डायरेक्शन 180, 160, 90 या 45 डिग्री. 13 का, हाफ टर्न स्टेयर चेंजेस देयर डायरेक्शन थ्रू 180. ये तो अभी पीछे वाले क्वेश्चंस के देख के बता सकते हो कि 13 का क्या होगा. सिद्धार्थ ओके, ठीक है, दीपक कह रहा है 180. ओके, 180 इज द करेक्ट आंसर कि अभी बताया था ना कि डॉग लेग में एक बार ये गया फिर यहाँ आया और फिर वापस आ गया, तो अपने पास 180 टर्न हो गए हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पब्लिक बिल्डिंग द मैक्सिमम राइजर इज लिमिटेड टू, मैक्सिमम राइजर इज लिमिटेड टू 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर.
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। मैक्सिमम राइजर की बात चल रही है यहाँ पे, किसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम। आदिल 180 इज द करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ ए इज द करेक्ट आंसर, दीपक ए इज द करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ कह रहा है सी। ओके वेरी गुड, और कोई? ओके सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ कि अपने पास जनरली मैक्सिमम की बात चल रही है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A bifurcated stair is normally used at the modern public building entrance in a small residential building in office as an emergency stair. चलो बिफरकेटेड स्टेयर्स समझते हो ना। बिफरकेटेड स्टेयर्स कैसी होती है? सूर्यवंशम मूवी याद है, सूर्यवंशम वाली, ऐसे चलते ही फिर वो यहाँ पे लैंडिंग आ गई, यहाँ पे अपने स्टेप्स आए, ठीक है, और यहां से अपने इधर हो गई, ठीक है, एक इधर चली गई, ठीक है, तो सभी को याद ही होगी सूर्यवंशम। तो नहीं याद होगी तो एक दो दिन हम देख लेना, मैक्स पे वापस दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इस टाइप्स की ये क्या कहलाती है? बर्फ कहते हैं। ये क्या है? आजकल मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर पब्लिक एंट्रेंस के टाइम डाली जाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सीधा। नेक्स्ट, द एंगुलर स्टेप यूज फॉर द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर आर कॉल्ड एंगुलर स्टेप, रेडियल स्टेप, विंडर या स्प्रैंडल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। ओके वाइंडर इज करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर इन शेप इज नोन एज एंगुलर स्टेप, रेडियल स्टेप, वाइंडर स्टेप, वाइंडर्स या स्प्रेंड। 17 का स्प्रैंड्रिल इज द करेक्ट आंसर सिद्धार्थ, दैट्स द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीम सपोर्ट ऑफ द हैंड रेलिंग प्रोवाइडेड एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लाइट इज नोन एज ब्लस्टर, नेवल पोस्ट या ब्लूस्ट्रेड या बैरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18 का कि एक्सट्रीम सपोर्ट ऑफ द हैंड रेल, कि अपने पास टॉप और बॉटम के अंदर अपने पास एक ना सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है हैंड रेल को। जैसे ये अपने पास हैंड रेल है, ये इसके टॉप में प्रोवाइड करवा दी, ये इसके बॉटम में प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इसको क्या कहते हैं, इस वाले इन पोस्ट को क्या कहते हैं? ब्लस्टर, नेवल पोस्ट, ब्लूस्ट्रेड, बैरिस्टर। नेवल पोस्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट्स द गुड वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
the headroom in the staircase should not be less than. Headroom in the staircase should not be less than 3.5 meter, 3 meter, 2.10 meter, 2 meter, 19 gun. का सी वेरी गुड आरती, दैट्स द करेक्ट वन. कि अपने पास 2.1 मीटर हेडरूम, कितना 2.1 मीटर का प्रोवाइड किया जाता है जनरली स्टेयर केसेस के अंदर में. ओके, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेप इज कॉल्ड फ्लायर स्टेप व्हेन इट इज एन ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर स्टेप, ए ट्रायंगुलर स्टेप यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन हैविंग द कर्व्ड राइज एंड द ट्रेड, या नन ऑफ द अबव. 20 का, a step is called flyer step when it is okay. Question number 20 ka, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए. सिद्धार्थ कह रहे, दीपक कह रहे ए, ए ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर स्टेप, और सिद्धार्थ कह रहे बी, और कोई क्या कह रहा है. ओके, आरती कह रही है सी, आदिल कह रहा है सी. ओके, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आदिल कह रहा है ओके, आदिल कह रहा है सी, ऑप्शन सी. क्या कह रहा है, हैविंग द कर्व राइज इन द ट्रेंड. ठीक है, तो अपने पास एक ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर स्टेप होता है ना, उसे भी अपन फ्लायर स्टेप कहते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि जरूरी नहीं है कि उसको कर्व्ड हो या ट्रेंगुलर, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो स्टेप होता है उसे अपन फ्लायर स्टेप कह सकते हैं. The height of the handrail above the track should be generally in between. Handrail की height minimum अपने पास कितनी रखते हैं? 40 to 50, 60 to 70, 5 centimeter, 75 to 80 centimeter या 100 centimeter. हाँ, triangular step को जहाँ पे triangular आए उसे winder कहते हैं. That's the correct. हाँ आरती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 21 आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ गया. 21 का आंसर कीजिए. आरती कह रही है 21 का सी. ओके, और कोई क्या कह रहा है? ओके, 21 का सी इज द करेक्ट आंसर, कि जनरली अपने पास 75 टू 80 सेंटीमीटर के आसपास लाई करता है हैंडरेल. नेक्स्ट, द ग्राउंड फ्लोर इज दैट फ्लोर व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल, जस्ट अबव द बेसमेंट लेवल, या बोथ ए एंड बी अबव, या नन ऑफ द अबव. अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर क्या होता है 22 का, कि ग्राउंड लेवल से जस्ट अबव वाला फ्लोर, या बेसमेंट के ऊपर वाला फ्लोर, या दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं. अगर कोई सी बार नहीं है तो बताओ कौन सा होता है. ट्वेंटी टू का सिद्धार्थ कह रहा है ए, आदिल कह रहा है सी, आरती कह रही है ए,
यार क्या बात कर रहे हो, सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो इजी सा क्वेश्चन है कि या बेसमेंट के ऊपर वाला जो फ्लोर होगा वो भी ग्राउंड फ्लोर कहलाता है, या जो ग्राउंड लेवल से जस्ट अबव होगा कि ये अपने पास ये ग्राउंड लेवल है, अब यहाँ से अपने पास यहाँ पे आपने बेसमेंट बना दिया है, ठीक है, तो ये आपका और इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा ग्राउंड फ्लोर, तो बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर, कि बेसमेंट का ऊपर वाला फ्लोर भी ग्राउंड फ्लोर होता है या ग्राउंड लेवल के जस्ट अबव वाला भी अपने पास ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। ओके बोथ। Generally, a 10 cm thick layer of the sand is provided at the base of the floor to keep out the dampness, to act as the cushion, to avoid the formation of the pit hole. Yeah, all of the option are the correct. 23 का कि a 10 cm thick layer of the sand is provided at the base of the floor to keep out the dampness, to act as the cushion, to avoid formation of the pit holes, या all of the option are the correct। आरती कह रही है 23 का D। इसके अलावा आरती के अलावा कौन क्या कह रहा है? दीपक कह रहा है डी एंड द डी इज द करेक्ट आंसर कि ऑल ऑफ द अबो, कि अपने पास जैसे ग्राउंड या कोई बेस ऑफ द फ्लोर प्रिपेयर किया जाता है उसके एक थिन लेयर्स ऑफ द जनरली 10 सेंटीमीटर की अपने पास प्रोवाइड की जाती है, एक तो डैम्पनेस के लिए, एक कुशन के लिए, और कोई फॉर्मेशन ऑफ द पिट होल्स वगैरह ना बने, जैसे कहीं पे कई बार हो जाता है ना सॉफ्ट रह जाती है जहां जहां से फ्लोरिंग के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ना हो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय ए मेसन इन लेइंग ऑफ द ब्रिक व्हाइल द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए वॉल, ब्रिक हैमर, ट्रॉवल, स्प्लिट लेवल लाइन एंड पिंस। वुडन फ्लोर आर टंग एंड द ग्रूव, बट डोवटेल या टी जॉइंट। चलो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर के जी क्वेश्चन नंबर 25 का करनी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। Tongue and the groove is very very good. Option A is the correct answer. Tongue and the grooves में क्या होता है कि अपने पास इस टाइप का एक groove बना हुआ होता है और एक इस तरफ से क्या बना होगा, tongue बनी हुई होगी, ठीक है, अब इनको इसके साथ में अटैच करके fix कर दिया जाता है, तो option A is the correct answer. Next question. Brick floor are used in the workshop, railway platform, godown या बरामदा। अपने पास ब्रिक्स फ्लोर होता है ना, जो ईंटों से बना हुआ नॉर्मल फ्लोर आता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? वर्कशॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म, गोडाउन्स या बारामदा वगैरह। 26 का आंसर कीजिए। गोडाउन्स इज द करेक्ट आंसर। गोडाउन्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The thickness of a square or a rectangular stone used in a flagstone flooring varies from 2 to 3 cm, 3 to 5 cm, 5 to 7 cm or 10 to 15 cm. Question number 27 ka. Sorry. Yeah.
27 का आरती कह रही है ए। फ्लैगस्टोन की फ्लोरिंग देखी हुई है क्या? फ्लैगस्टोन की फ्लोरिंग जनरली आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, कई बार गार्डन वगैरह में जाते हैं तो उनको ऐसे स्टोन्स को जिगजैग पाथ में रखा हुआ होता है। ऐसे जिगजैग पाथ के अंदर रखा हुआ, तो उसकी अपने पास जो अगर थिकनेस की बात करें तो जनरली 5-7 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल लेइंग सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैनल द लेंथ ऑफ द पैनल इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर अपने पास सीमेंट कंक्रीट का छोटे छोटे फ्लोर बना रहे हैं तो उनको स्मॉल पैनल्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। क्यों डिवाइड किया जाता है? कि फ्यूचर के अंदर, इन फ्यूचर कभी इनके अंदर का रैक्स आए तो वो नेक्स्ट क्या पूरे फ्लोर के अंदर आगे की तरफ ना एक्सपेंड हो, तो वो उसी पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर आके रुक जाए, तो इसलिए छोटे छोटे पैनल्स बनाए जाते हैं। उन पैनल्स का जनरली लेंथ कितनी लेके चलते हैं? 28 का 0.5 मीटर या 1 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर के अप्रोक्स। कि ये आपने जैसे फ्लोरिंग बनाया है तो इसके अंदर आपने छोटे छोटे पैनल्स बना दिए, आपने ये सीसी का फ्लोर किया। अब आगे तो अपने पास अगर इस फ्लोर के अंदर क्रैक्स आया है तो वो आगे दूसरे फ्लोर्स के आगे वाले एडजेसेंट लेयर्स के अंदर क्या है, एक्सपेंड ना हो, ट्रांसफर ना हो, इस चीज से बचने के लिए अपने पास एक पैनल्स के अंदर डिवाइड्स कर देते हैं इनको छोटे छोटे पैनल्स के अंदर। तो उनके कितनी रखते हैं जनरली अपने पास, विड्थ अगर बात करें, लेंथ की बात करें तो 28 का सिद्धार्थ तो अप्रोक्सीमेट अपने पास इसकी 1.5 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, कम ज्यादा भी हो सकती है लेकिन जनरल लेंथ की बात चल रही है तो जनरली इसकी 1-1.5 मीटर के आसपास की लेके चलते हैं। नेक्स्ट, कीपिंग ए व्यू पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज एंड द रैपिंग द विड्थ ऑफ द बोर्ड इज रिकमेंडेड टू 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। 20 अगर अपने पास श्रिंकेज और रैपिंग के चांसेस को ध्यान में रखते हुए अपने पास अपन विड्थ ऑफ दी जो भी बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, प्लाई बोर्ड्स हो गए, ठीक है, उनके रेस्ट्रिक्शंस के लिए बात कर रही है कि उनके छोटे छोटे कटआउट्स वगैरह बनाते हैं बाय द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक्स हो गया है, फ्लाई एश ब्रिक्स हो गया, तो उस टाइम इनके बोर्ड्स को यूज किया जाता है। तो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? कि ये कंसीडर किया जाता है कि अपने पास इसमें श्रिंकेज और रैपिंग के चांसेस क्या रहे, मिनिमम रहे, ठीक है, इस पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड की विड्थ अपने पास जनरली 10 सेंटीमीटर रिकमेंडेड की जाती है। In multi-story building, government building, the floor height is usually restricted to 2 meter, 2.4 meter, 3.4 meter या 4.2 meter. ये तो simple सा question है 30 का। अगर किसी multi-story government building है तो उसके अंदर floor height maximum या restricted का मतलब यही है कि maximum कितनी रख सकते हैं अपने पास, 2 मीटर, 2.4 मीटर, 3.4 मीटर या 4.2 मीटर। जल्दी करो, तो अगर हम बात करें अपने पास तो अपने पास ये रेस्ट्रिक्शन होता है अप्रोक्सीमेट 3.4 सेंटीमीटर, 4 मीटर के आसपास। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, दीपक ने भी दे रखा है
C is the correct answer. Okay, C is the correct answer कि 3.4 मीटर के आसपास रिस्ट्रिक्शन होता है. The broken brick or stone chips are also called broken mite, scrap, scrap, swell या vestige. 31 का मोहित बाजपाई ऑप्शन सी. वाजपाई काफी दिनों के बाद में दिखाई दे रहे हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 32 का रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मोहित मैंने वाईफाई स्टडी पे ना एक लेक्चर लिया हुआ है, शायद तुझे पता भी होगा मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग. एक बार वो देख लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कितना के पढ़ना है. फालतू की चीजें मत पढ़ना चाहिए. एक RSM, SSB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले की भी डेट आ गई है, उसके लिए कल से या परसों से कोई क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं. अभी बात करते हैं टीम से. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. 2.4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. द वेट ऑफ द रिवर सेंट पर क्यूबिक मीटर इज टेकन एज. The weight of the river sand per cubic meter is taken as 100 kg, 12 to 1400 kg, 18 to 1900 kg, 22 to 2400 kg. ठीक है, क्योंकि एक बार पूरा मेंस के लिए पढ़ने लगे ना फिर समस्या करेगी. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए. ऑप्शन सी 1800 टू 1900 केजी इज द करेक्ट आंसर पर क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फॉर ए वॉल बिल्ट इन द सीमेंट मोर्टार 1:6 द मिनिमम थिकनेस ऑफ द सिंगल स्टोरी बिल्डिंग इज 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर. 34 का ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए. बस चार पांच क्वेश्चन और बचे हैं. 40 क्वेश्चन की टोटल अपने पास होता है. ये सेशन 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन का सी इसका दे रहे हो या पीछे वाले का आंसर दे रहे. तो अगर हम बात करें फॉर वॉल बिल्ट इन द रेशियो ऑफ 1:6 के अंदर आपने वॉल को कंस्ट्रक्शन किया है तो मिनिमम थिकनेस ऑफ सिंगल स्टोरी के लिए अपने पास कितनी रखेंगे. 20 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे. वन ब्रिक वॉल जिसे कहते हैं ना, वन ब्रिक वॉल जिसमें लोड बियरिंग वॉल्स होती है जो स्लैब का डायरेक्ट लोड बियर करती है, तो अपने पास ये किसके इक्वल होता है.
इसकी विड्थ होती है जनरली अपने पास एक सिंगल ब्रिक के आसपास, और जो कितनी होती है 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइम्स एंड मोर्टार नॉर्मली यूज इन द ब्रिक कंस्ट्रक्शन हैज द रेशियो ऑफ द 1:8, 1:6, 1:4, 1:2, 35 का। यहाँ पे लाइम्स एंड मोर्टार है, थोड़ा सा ध्यान से आंसर देना। थर्टी फाइव का सिद्धार्थ सी बता रहे हैं ना, ठीक है। 35 का सी नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि 1:2 के अप्रोक्स लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सीमेंट एंड मोर्टार प्रेफर्ड इन द लोड बियरिंग वॉल्स के अंदर। लोड बियरिंग वॉल्स के अंदर अपने पास सीमेंट सैंड मोर्टार का रेशो कितना लेके चलते हैं जनरली, ये तो अभी आया ही है 36 का। ओके, जल्दी थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा जल्दी करो। सर लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अभी सिद्धार्थ 5 मिनट रुक जा, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन वो डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। 15 डेज की, लास्ट 15 डेज की। ओके, तो ऑप्शन दीपक कह रहा है 1:6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ द वन ब्रिक अनप्लास्टर वॉल इज अबाउट 100 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm। सिद्धार्थ कौन से ए का एग्जाम है तेरा, कहां के ए का एग्जाम है? ओके, सी ए तो नहीं होगा। नॉमिनल थिकनेस ऑफ वन ब्रिक अनप्लास्टर, हाँ वन ब्रिक का 37 का सी इज द करेक्ट आंसर, 200 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेज शेप ब्रिक्स फॉर्मिंग एन आर्च रिंग इज कॉल्ड एज व्योसर, सोफिट, स्प्रेंडेल या होलेंच। JKPSCE, ओके ठीक है, अभी बात करते हैं, 5 मिनट बस, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं 38 का। वेजे शेप ब्रिक्स फॉर्मिंग एन आर्च रिंग, वेजे शेप की ब्रिक्स का अपन क्या कर रहे हैं, आर्च बना रहे हैं, तो उस आर्च से बनी हुई वो रिंग क्या कहलाएगी, वो सर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑन विच द एंड ऑफ द आर्च रेस्ट इज नोन एज अबटमेंट, लिंटल, सोफिट या नोजिक। कि जहां पे ये देखो कि आर्च, ये अपने पास यहाँ पे आर्च आके एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सोफिट नहीं कहते, अबटमेंट कहते हैं ड्यूड,
abutment is the correct answer. Option A is the correct answer. Next question. A triangular space between the back of an arch ring and the horizontal plane tangent to it at crown is known as lawn, spandrel, crowd rail, or skew back. कि ट्रायंगुलर स्पेस बिटवीन होता है ना, रागिनी कह रही है 40 का बी. रागिनी लेट कैसे हो रहे अभी, तुम लोगों का क्या नाटक क्या चल रहा है, सब लोग लेट आ रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा. ये अपने पास आर्चेस है तो इनके बीच में ये ट्रायंगुलर स्पेस होता है ना, ये क्या कहलाता है अपने पास, स्पैंड्रिल. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हाँ चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे. हाँ आप सिद्धार्थ तुम्हारे बारे में बात कर लेते हैं. ओके तो लास्ट अगर मेरा ए का एग्जाम हो और लास्ट मेरे पास 15 दिन बचे हो तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ. ठीक है, अगर आपका उससे मैच होता हो और आपके कंफर्ट जोन में हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. अगर मेरा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने ज्यादा हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन लगाऊंगा, प्लस में मैं मेरे शॉर्ट नोट्स मेरे साथ में रखूंगा. शॉर्ट नोट साथ में रख के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगा. शॉर्ट नोट साथ में रखने का मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर मुझे कोई नई चीज दिखे या डाउटफुल लगे तो मैं उन शॉर्ट नोट से दोबारा से रिकन्फर्म करूंगा, उसको याद करूंगा, और अगर कोई नई चीज लगेगी तो उसी शॉर्ट नोट्स में एक बार और लिख लूंगा मैं उसी चीज को. ठीक है, उसी चीज को मैं दोबारा से लिख लूंगा और फिर उसके आगे बढ़ूंगा. ठीक है, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस लगा सकते हो. प्रीलिम्स है तो अपने पास ऑब्वियसली इस बात है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो लगाएंगे. ठीक है, और जो मेरा क्वेश्चन अच्छा है मैं उसकी तरफ थोड़ा सा कम ध्यान रखूंगा. कई बार ये होता है कि जो क्वेश्चन अपन अच्छा है उसको बेहतर करने के चक्कर में क्या और अच्छा हो जाएगा कि जो ऑलरेडी अच्छा है. अगर आप मान लो कि कोई सब्जेक्ट माना कि मेरा सर्वे अच्छा है तो सर्वे के अंदर अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऑब्वियसली सी बात है 18 क्वेश्चन कर लूंगा. ठीक है, अच्छा होने का मतलब यह है 18 से 20 क्वेश्चन कर लूंगा. अगर मैं और प्रैक्टिस करूंगा तो मैं 20 में से 20 कर लूंगा, अदरवाइज मैं 18 कर लूंगा. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है नहीं, उनके भी जो इजी जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि हर एक सब्जेक्ट्स के अपने पास कुछ क्राइटेरिया है, अलग अलग अच्छे अच्छे पोर्शन है जहां से मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट से 101% बीओटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगर आप इरिगेशन पूछ रहे हो तो आपसे डेल्टा डीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके हर एक क्वेश्चन का अपना अपना वेटेज है. तो जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ के जा रहा तो उनके जो फेवरेट पार्ट है या जो सब्जेक्ट मेरा वीक है जो उनके फेवरेट पार्ट्स है उनको मैं एक बार रिवाइज करके जाऊंगा. जैसे अगर तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो वीक हो अभी बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको बता सकता हूं कि ये पर्टिकुलर इसका ये वाला पोर्शन एक बार देख के चले जाना, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, जिसको पूरा सब्जेक्ट में ही पढ़ना है, माना कि तुम्हें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं पढ़नी है तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर चार टॉपिक पढ़ जाओ. क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव से डिटरमिनेशन इनडिटरमिनेशन पढ़ जाना, और स्लोप डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए, वो देख लेना, और स्लोप डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन देख लेना, ILD देख लेना ज्यादा, उसके अलावा डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले देख लेना, बस खत्म, छोड़ दो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का बता दो सर. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का ये देखो यार, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैंने करवा दी है कंप्लीट. ठीक है, बहुत ज्यादा लेक्चर भी नहीं लिए, 4-5 लेक्चर लिए हुए हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूँ मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके फ्लोरिंग से. ठीक है, फ्लोरिंग हो गया है, जॉइंट्स हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे ना वो बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, 5-7 वीडियो है, और उन वीडियोस को क्या करो जल्दी से स्पीड तेज करके देख लो एक बार, क्विक रिवीजन कर लेना.
कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हुआ, बिल्डिंग मटेरियल हुआ, सर्वे हुआ, ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स है जिनके हर एक टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट है, जिनको अपन मेजर जनरली क्या होता है कि जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि हर एक सब्जेक्ट के अपना फेवरेट पोर्शन होता है, वो मेजर सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है। और जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सारा इम्पोर्टेंट है, सर्वे है, सारा इम्पोर्टेंट है। सर्वे भी कहाँ से इम्पोर्टेंट, मैं कहाँ से बता सकता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग से भी पूछा जाता है, लेवलिंग से पूछा जाता है, कंपास से भी पूछा जाता है, कर्व से भी पूछा जाता है, प्लेन टेबल से भी पूछा जाता है, कंटूरिंग से भी पूछा जाता है, लेवलिंग से भी पूछा जाता है, तो हर एक चैप्टर से लगभग अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस बनने के, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जल्दी जल्दी देख लेना, जो चीजें तुम्हें नहीं आ रही है वही देख लेना, फालतू चीजें मत देखना चाहिए, जो चीजें आ रही है उनको आगे बढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल लेना। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आज 40 क्वेश्चन हो गया, पांचवा लेक्चर हो गया, लगभग 200 क्वेश्चंस हो गए। 200 क्वेश्चंस का अगर थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, 200 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतने ही क्वेश्चन आएंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अपने पास शॉर्ट नोट्स रखे और जितने मैक्सिमम हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बोलो और कुछ पूछना है तो। ठीक है सिद्धार्थ, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन, इफ यू एंजॉय द सेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर अनअकैडमी एसएससी द YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, यूज माय रेफरल कोड देवन10 टू गेट 10% एडिशनल। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए सर, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो यार ये तो फिर समस्या होगी ना, फुल नोट्स है, तो फिर ऐसे करो, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं ना, तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जितने मैक्सिमम से क्वेश्चन लगा सकते हो लगाना। अब सब्जेक्ट वाइज इसलिए बोला है मैंने, जैसे वैसे शॉर्ट नोट्स होते तो कंबाइंड बोल देता मैं, जैसे फुल नोट्स है तो अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स के लगा रहे हो तो अपने पास जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हो, 15 दिन है तो 15 दिन में लगा दो, 10-15 हज़ार क्वेश्चन लगा दो, 100 क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, तो 10-15 हज़ार क्वेश्चन लगाने के बाद में उसमें से 1000 क्वेश्चन लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिन में लग जाते हैं, एक दिन, ठीक है। अगर बिल्डिंग मटेरियल के 1000 क्वेश्चन देख लो, 1000 क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन नहीं पूछ पड़ेंगे क्या यार, कैसी बात, ठीक है। तो अगर लॉन्ग नोट्स है तो वहां पे आप लोग, अगर शॉर्ट नोट्स का आप ये कर लेना कि लास्ट मोमेंट पे अगर जो क्वेश्चन नया मिले ना उसको लिखते हुए चलना, ठीक है, जो क्वेश्चन नए मिले ना उनको देखते लिखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स मत बनाना, अब ना ही शॉर्ट नोट्स के चक्कर में पढ़ना, अगर कोई चीज डाउट लगे तो फुल नोट्स के अंदर देख लेना, अदरवाइज फुल नोट्स को भी मत देखना चाहिए, जो चीजें नहीं लगती जाए उनको लिखते हुए आगे बढ़ते जाना, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आता है, उस सब्जेक्ट के जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हो लगाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर वो लगाए हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% याद रहेंगे कहीं ना कहीं, या उनका ऑप्शन देख के आपका दिमाग जरूर याद दिलाएगा कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, तो उसके पॉसिबिलिटी ऑफ द करेक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, जहाँ 4 ऑप्शन थे अगर 2 ऑप्शन भी याद है तो 50% होगी, कहाँ 1/4 थी, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, यूज माई रेफरल कोड देवन10 टू गेट 10% एडिशनल ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी प्लस सर्विस, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।